बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? व्यूअर्स, आज हम आपको बाजार जैसी हस्ता और मजेदार जलेबी बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी बताएंगे। जलेबी बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो कुछ इस तरह से हैं। मैदा हमने ले लिया है 500 ग्राम, रंग काट हम लेंगे 1/2 टीस्पून, रंग काट यानी सोडियम हाइड्रो 1/2 टीस्पून लेंगे। ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगा, इससे जलेबी हस्ता और लच्छेदार बनती है। अमोनियम लेंगे 1 टीस्पून, ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। कुछ लोग इसमें बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे जलेबी कुछ घंटे के बाद नरम पड़ जाती है और इसमें खट्टापन भी आ जाता है। जलेबी फूड कलर लेंगे 1/2 टीस्पून। नीम गर्म पानी हमने ले लिया है 3 कप। इसको बैटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे जब तक कि बैटर लचकदार ना हो जाए। जब बैटर लचकदार हो जाएगा तो हम उसमें पानी ही ऐड करना बंद कर देंगे। जलेबी का शीरा बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो कुछ इस तरह से है। चीनी हमने ले ली है 1.5 किलो, पानी 1 किलो लेंगे, 1/2 टीस्पून रंग काट लेंगे। ये चीनी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है और इससे जलेबी में चमक भी आती है। सबसे पहले हम जलेबी का शीरा तैयार करेंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसका शीरा किस तरह तैयार किया जाता है। जलेबी का शीरा तैयार करने के लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 किलो पानी ऐड कर लेंगे, उसके बाद उसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने 1.5 किलो ली है। ये शीरा जाया नहीं होता, बाद में भी आप दोबारा जलेबियां वगैरह बनाने के लिए या गुलाब जामुन की रेसिपी हम इंशाल्लाह डालेंगे उसमें भी यही हम इस्तेमाल करेंगे। अभी तेज आंच पे चीनी को अच्छी तरह से पका लेंगे। चम्मच को हम हल्का हल्का हिलाते रहेंगे, नहीं तो चीनी नीचे सेट हो जाएगी। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अभी हम इसमें रंग काट ऐड करेंगे। इलायची के बारे में हम बताना भूल गए थे, इलायची हमने 4 से 5 अदद ले ली हैं, वो भी इसमें ऐड करेंगे। चीनी को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये चीनी का हाथ से चिपक के लच्छा ना बनना शुरू हो जाए। ये देखें, हम इस तरह इसको चेक करेंगे, ये देखें इस तरह, ये चीनी हमारी तैयार हो चुकी है। अभी हम चूल्हा बंद कर देंगे और जलेबी का बैटर तैयार कर लेंगे। अभी हम जलेबी का बैटर तैयार कर लेंगे। मैदे में हम सबसे पहले रंग काट डाल लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी हमने नीम गर्म करके रख लिया था। बैटर बनाने के लिए चम्मच या मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये हाथ से ही बनेगा और इस तरह इसको बार बार उछाल उछाल के आप बनाएंगे। इसकी यही टेक्निक है, इसको बार बार अब उछाल उछाल के इस तरह जोर जोर से मारेंगे। ये देखें माशाल्लाह जबरदस्त बैटर तैयार हुआ है। अभी हम इसमें अमोनियम और जलेबी फूड कलर ऐड कर लेंगे। फूड कलर आप ऑरेंज भी या रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे जलेबी में यही अच्छा लगता है। थोड़ा सा पानी लेके रंग को मिक्स कर लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह जलेबी का बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अभी हम एक कपड़ा लेंगे, उसमें ये बैटर ऐड कर लेंगे। आप प्लास्टिक बॉटल जो बर्गर शॉप पे कैचअप डालने के लिए यूज करते हैं वो भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए अब हम आपको बताते हैं जलेबियां किस तरह बनाई जाती हैं। हमने एक पैन में ऑयल ले लिया, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसलिए हम इसमें जलेबियां बना लेंगे। माशाल्लाह जलेबियां हमारी किस तरह फूल रही हैं। जलेबी को इस तरह साइड चेंज कर करके पका लेंगे। चास को ठंडा कर लेना है पहले, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। हम जब तक ये बैटर तैयार कर रहे थे चास ठंडी हो रही थी। जलेबी को बहुत ज्यादा नहीं पकाना कि वो काली हो जाए। तरह निकालेंगे, शीरे में डिप करेंगे, थोड़ी देर के लिए शीरे में रहने देंगे। उसके बाद जलेबियां बाहर निकाल के एक छन्नी में रखते जाएंगे। अब इस तरह थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल इसी तरह जलेबी आपकी भी बनेगी। देखे माशाल्लाह जलेबियां हमारी बहुत जबरदस्त, ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। आप इसी तरह हर चीज का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी बिल्कुल यही रेसिपी तैयार होगी। अभी हम आपको मुरत्ती जलेबी बनाने की भी रेसिपी बताते हैं। ये देखें माशाल्लाह ये हमारी कितनी जबरदस्त मुरत्ती जलेबी तैयार हुई है। इसके लिए बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। के भी दोनों साइड अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखें माशाल्लाह इस तरह ये हमारा तिजले भी तैयार होती है। अभी इसको भी हम शीरे में डालेंगे, शीरे में थोड़ी देर तक डिप करेंगे ताकि शीरा थोड़ा उसके अंदर जज़ब हो जाए, उसके बाद उसको निकाल लेंगे।
माशाल्लाह हमारी बहुत ही हस्ता और जबरदस्त मजेदार जलेबियां तैयार हुई हैं। ये देखें देखें माशाल्लाह, ये देखें। मृति हमने सिर्फ उसका बनाने का तरीका बताया है, उसकी रेसिपी अलग है, वो दाल माज से बनती है। इंशाल्लाह वो हम बाद में उसकी भी रेसिपी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह, अम्मा बाद। सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन हर बालिग शख्स पर गुस्ल करना वाजिब है। रवाह मुस्लिम 1957। मज़ीद इस तरह की अच्छी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनु जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।